तो दोस्तों, आप में जितने भी लोग तारक मेहता का शो का उल्टा चश्मा का लेटेस्ट एपिसोड देख रहे हैं, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि जो हमारे सुंदरलाल है वो शो में आए हुए हैं। लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि अगर सुंदरलाल हमारे तारक मेहता शो में आएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो आएंगे तो कॉमेडी बहुत जल्दी मतलब ऊपर आ जाएगा और कॉमेडी का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा खुशी इसीलिए हो रही थी क्योंकि अगर सुंदरलाल आएंगे तो मुझे लग रहा था कि वो दया भाभी के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें बताएंगे ही, क्योंकि दया भाभी के बारे में हमें पिछले साल से कोई भी नहीं बता रहा है। हमें आसिफ मोदी पिछले साल आए थे और उन्होंने बोला था कि दिवाली तक आ जाएगी, इसी साल आ जाएगी, लेकिन फिर अब हमारे आसिफ मोदी भी गायब हो चुके हैं। वो इस बारे में बोल ही नहीं रहे कि आखिर जो हमारी दया भाभी है वो कहाँ है, कब आएगी, कोई भी नहीं बात कर रहा है इसके बारे में। और अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड देखा होगा ना, तो जो हमारे सुंदरलाल है वो जेठालाल से इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो बताना ही नहीं चाहते। मतलब मुझे नहीं पता कि सुंदरलाल को भी नहीं पता है कि दया भाभी कहाँ है या फिर किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि सुंदरलाल को एक डेट देने में आखिर क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो बता ही नहीं रहे कि आखिर कब आएगी। तो मुझे लगता है कि शो के मेकर्स जो है, यानी कि जो हमारे आसिफ मोदी या फिर कोई भी, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो आखिर दया भाभी कब आने वाली है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि जो हमारे आसिफ मोदी है वो एक तरह से एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि जो हमारी दया भाभी है वो आएंगी आएंगी ये बोल के मीडिया में बोल देते हैं, और फिर जो लोगों को लगता है कि दया भाभी तो आने वाली है, मतलब तारक मेहता अभी हमें और भी देखना है, तो इस तरह से जो हमारे तारक मेहता की शो के मेकर है यानी कि जो हमारे आसिफ मोदी है वो ऑडियंस के साथ गेम खेल रहे हैं दया भाभी को लेकर। क्योंकि आप तारक मेहता में कोई भी कैरेक्टर देखिए, उसे दो तीन दिन में रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन ये हमारे दया भाभी को रिप्लेस करना ही नहीं चाह रहे, ला ही नहीं रहे, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, मेरी समझ से बाहर है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।